नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश और स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन जो आपके महिला पर्यवेक्षक और हॉस्टल वार्डन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, छत्तीसगढ़ प्लस भारत का सामान्य ज्ञान है ना। तो सामान्य अध्ययन से देखते हैं जो कि आपका 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग रिविजन करना स्टार्ट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व, सुरक्षा या सुरक्षित? इसका आंसर आपका ए होगा। दूसरा है, राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान कौन सा है, यानी कि छत्तीसगढ़ रैंक ऑफ फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच आर इन द नेशन, यानी कि इसका आंसर आएगा आपका सी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। बलरामपुर जिले का देखते हैं चलिए इसके बाद। बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल कौन सा है? तो बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल होगा आपका विष्णुभोग, बासमती, दुबराज, चगारो, जीरा फूल। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, चगारो जीरा फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको की आधारशिला कब रखी गई है? तो 27 नवंबर 1965। इसका आंसर डी होगा। चलिए, सदन का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर बी होगा, राज्यसभा का सभापति। चलिए देखते हैं इसके बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नव नियुक्त निदेशक कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, प्रवीण सूद। यानी कि 2023 में आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नव नियुक्त निदेशक होंगे आपका ए, प्रवीण सूद। चलिए देखते हैं इसके बाद फिर एक सातवां है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी, आप सभी ने सुना होगा नाम, तातापानी महोत्सव आयोजन किया गया? बलरामपुर में। इसका आंसर बी होगा। छत्तीसगढ़ के उद्यामीन खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव, आप सभी ने जानते हैं ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर्गत विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता और वे किस खेल से संबंधित है? आपका आंसर बी होगा, भारोत्तोलन से। किससे संबंधित है, भारोत्तोलन से। चलिए 39वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी, तो आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी आंसर बी होगा, अबूझमाड़ की पहाड़ी। जबकि जो मेन पार्ट है आपका शिमला का है, ठीक है, शिमला का, शिमला की राजधानी मेन पार्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर इसके बाद, बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है, आपका केवलर का, आंसर ए होगा। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है? तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका सी होगा आंसर, कोरबा जिले में। जो हसदेव बांगो परियोजना है कौन सा जिले में है, कोरबा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का हमर सुग्घर लइका अभियान किससे संबंधित है? तो देखिए, अभी जो हाल ही में जो अभियान चल रहा है हमर सुग्घर लइका अभियान, आपका कुपोषण से संबंधित है। इसका आंसर डी होगा, कौन सा होगा, डी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर हम लाए हैं आपके लिए रिविजन के लिए लाए हैं, चाहे आप हॉस्टल वार्डन करो या महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करो। महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करें तो उसका एग्ज़ाम आपका 27 अगस्त को होने वाली है, यानी कि 10 से 12 दिन अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हम सामान्य अध्ययन की क्लास कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2023 का मैथ्स 2023 का ये आपको क्वेश्चन पेपर है ना, जो अभी हाल ही में जनवरी फरवरी के एग्ज़ाम में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस और नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जानते हैं, प्रेमचंद के नाम से, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से देखते हैं, जोगी मिठाई आप सभी ने सुना होगा, जोगी मिठाई यानी कि बस्तर का दशहरा से है ना, तो इसका आंसर सी होगा, मंदिर में कलश स्थापना। प्रत्यक्ष कर कौन सा है आपका, डी, संपत्ति कर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ,
तो 1952 इसका आंसर ए होगा। अगर यहाँ पर पूछता कि राष्ट्रीय विकास में परिषद गठन पूछा गया तो 1952 है। अब देखिए राउत नाचक किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा नृत्य है, तो इसका व्यापम विलोपित कर दिया गया। व्यापम क्या कर दिया, इसको विलोपित कर दिया है, जबकि इसका आंसर आपका डी होना चाहिए, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि व्यापम इसको विलोपित कर दिया गया। क्या लिया है हमें मालूम नहीं है, जो भी लेगा आंसर व्यापम लेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि छेरछेरा पर्व कब मनाए जाते हैं, पौष मास की पूर्णिमा। आंसर सी। नाभि के आकार की इकाई क्या है, तो इसका आंसर ए होगा फर्मी। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में। याद रखना ये जितना भी अभी एग्जाम के लिए मैं बेनिफिट है आप सभी के लिए, क्योंकि रिवाइज करके जाओगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम, आप सभी ने सुना होगा छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम क्या होता है, इसका आंसर बी होगा आपका मिनी माता। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वृद्धावस्था के अध्ययन को जीरोन्टोलॉजी कहते हैं। एलपीजी के मुख्य घटक कौन से है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका आंसर ए होगा। तेभागा आंदोलन किसानों से संबंधित है। निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का उपयोग रात्रि के दृष्टि के उपकरण में किया जाता है, तो देखिए रात्रि के अवसर पर किसको किया जाता है, आंसर बी इंफ्रारेड। ठीक है, जो टीक लगा है उस पर ध्यान ना दीजिएगा, जितने भी आपको यहाँ पर मैं आंसर लिया हूँ वो बिल्कुल सही है, व्यापम के मॉडल आंसर के अनुसार परफेक्ट आंसर है। चलिए फिर देखते हैं यहाँ से, सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत ग्रीन हाउस ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीस अमोनिया नीति अधिनियमित किया गया 2030 तक, इसका आंसर सी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है पूछा गया, तो 1 जनवरी 1949 को, इसका आंसर सी होगा। जबकि अगर स्थापना पूछता तो 1 जनवरी 1948। अब भारत के कौन से राज्य हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस घोषित किया है, तो इसका आंसर आपका बी होगा केरला। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो 10 दिसंबर 1857 को, इसका आंसर ए होगा। चलिए फिर यहां से क्वेश्चन देखते हैं, विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश की टीम से हुआ था, इसका आंसर सी होगा ऑस्ट्रेलिया। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू की गई है, तो 1924, इसका आंसर बी होगा। और यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में, मंडी निरीक्षक के एग्जाम में, और अभी जो आपको बता रहा हूँ वही। राष्ट्रगान जनगण मन के विषय में क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ये तो बिल्कुल सही है। यह सार्वजनिक रूप से प्रथमतः 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रगान के रूप में भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया नहीं, इसका आंसर सी होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा, इनमें से कोई नहीं होता, आप लोग कमेंट करके बताओ कि छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है। चलिए फिर से स्टार्ट करें, यहाँ पर देश में पहली बार गोबर के बने जिसमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ बजट लाया गया उसमें संस्कृत में क्या लिखा था, गोमय वस्ते लक्ष्मी, इसका आंसर ए होगा। तमोर पिंगला अभ्यारण आप सभी को मालूम होगा, सूरजपुर 608 वर्ग किलोमीटर, इसका आंसर बी होगा। चलिए देखिए यहाँ पर परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा गाया जाता है, बैगा। भारत ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता हेतु है, म्यांमार, आंसर ए। चलिए 38वां देखते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से सबसे प्रमुख है, तो सूर्य सबसे प्रमुख, इसको भी व्यापम विलोपित कर दी गई, जबकि इसका आंसर डी होना चाहिए, हाइड्रोजन। ठीक है, आप लोग बताओ क्या ले रहे हैं आंसर, आप लोग अपने इच्छा से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। व्यापम इसको विलोपित कर दिया है, लेकिन इसका आंसर हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 2-3 एग्जाम में हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, हाइड्रोजन ही आया है।
महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सम्मानित मां बम्लेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्या है? तो जल्दी बताइए कार्यकर्ता का नाम क्या है। इसका आंसर आपका होगा मधुलिका रामटेके, आंसर डी। संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा, आंसर सी, क्योंकि कोंकणी, मणिपुरी और संस्कृत आपके 8वीं भाषा में सम्मिलित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर। ये आपका सूर्य इधर से उगता है, तो ये आपका सूर्य हो गया, ये पश्चिम से। पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कावेरी नदी, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं फिर यहाँ से। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है? भगवद गीता, आंसर ए। छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी सीटें हैं? तो आप सभी को मालूम होगा 5 राज्य सीटें हैं और 11 लोकसभा से दोनों मिलकर आपका संसद बनाती है। ब्लू कार्बन क्या है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन। गर्मियों में मृग तृष्णा की घटना किस कारण देखी जाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसका आंसर सी होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जिन हाथों में था? वे सुभाष चंद्र बोस। भारत ने किस मित्र के देश के साथ पर्यावरण, आपका आएगा फ्रांस, आंसर बी। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी सीमा छूने वाला छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, आंसर ओडिशा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं यहाँ पर 50 प्रश्न, ठीक है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य शामिल नहीं है, तो इसमें यस आंसर डी होगा। बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा भी सामान्य ज्ञान है। कपड़ा पार किस जिले में स्थित है? रायगढ़। ए पंचायती राज संस्थाओं का निम्न स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत। इसी प्रकार बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो एक और क्लास लेनी है, तो आप इसका हम बाकी पार्ट 2 वीडियो हम कल लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगता है जल्दी से जाइए वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।